नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी। अगर आप टोंक रोड या इसके आसपास की लोकेशन में जयपुर के नियर बाय कोई प्लॉट सर्च कर रहे हैं, वो भी गेटेड टाउनशिप में, तो इस टाउनशिप के बारे में आपने जरूर सुना होगा। जी हाँ, जबरदस्त रेजिडेंशियल गेटेड टाउनशिप है ये, जो कि अपनी कुंभा मार्ग और इंडिया गेट के नियर बाय होने वाली है। और टाउनशिप का नाम है उदय वाटिका। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बहुत ही शानदार इसका लग्जरी एंट्री गेट अपन यहाँ पर डेवलप करके दे रहे हैं। 80 फीट रोड पे ओपन होता हुआ ये अपना प्रोजेक्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जोरों शोरों से इसका डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट, जब तक ये आप तक वीडियो पहुंचेगा तब तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। डेवलपमेंट आप देख सकते हो, बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर पहुँचने के अभी प्रेजेंट टाइम में दो रास्ते हैं। पहला, इंडिया गेट के सामने से एक रास्ता आ रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इंडिया गेट के सामने से एक गोवर्धन नगर की तरफ ये रास्ता आ रहा है, जो कि जैन मंदिर के बगल से होता हुआ अपने मेन एंट्री गेट के सामने ओपन हो रहा है, जो कि 80 फीट का प्रस्तावित सेक्टर रोड है और उसी पर अपना एंट्री गेट डेवलप किया जा रहा है। तो पहला रास्ता ये है। दूसरे रास्ते की अगर बात करें तो कुंभ मार्ग से निकलते ही एस के ग्रांड होटल के पास से अपना दूसरा रास्ता आ रहा है, जो कि 100 फीट की सेक्टर रोड है और उसी से अपना डायरेक्ट कनेक्टिविटी टोंक रोड से मिल रही है, जो कि अपनी टाउनशिप से जाने के लिए एक सीधा रास्ता होने वाला है और उसी पर अपना सेकंड एंट्री गेट डेवलप किया जा रहा है। तो दोनों रास्ते आपको यहाँ इस टाउनशिप पर पहुँचने के लिए समझ में आ गए होंगे। अगर इन फ्यूचर की बात करें तो टाउनशिप के सामने से एक 80 फीट का सेक्टर रोड जा रहा है, जो कि अपने MPS स्कूल से डायरेक्ट जाकर कनेक्ट हो रहा है, जो कि 160 फीट की सेक्टर रोड है, जो अपनी एक तरफ से टोंक रोड को कनेक्ट करता है, वही दूसरी ओर सांगानेर की तरफ निकल रहा है। दूसरा जो ये आप देख पा रहे हो, ये 80 फीट का सेक्टर रोड है, जो अपनी टाउनशिप के बीच में से निकल रहा है, इधर अपनी टोंक रोड को कनेक्ट करता है और दूसरी तरफ 80 रोड की प्रस्तावित सेक्टर रोड में जाके मिल रहा है। तो फ्यूचर के हिसाब से भी बहुत ही बेहतरीन कनेक्टिविटी होने वाली है। अगर रेजिडेंस की बात करें तो आप अभी भी देख सकते हो, प्रेजेंट टाइम में फुल रेजिडेंस एरिया में अपनी टाउनशिप होने वाली है। चारों तरफ यहाँ पर मकान बने हुए हैं। और अगर इस टाउनशिप के बारे में बात करें तो इस टाउनशिप की खास बात यह है कि इसके 7 से 8 किलोमीटर की रेडियस में कोई दूसरी गेटेड टाउनशिप नहीं है। जी हाँ, क्योंकि चारों तरफ फुल रेजिडेंस ऑलरेडी हो चुका है लोगों का, और गेटेड टाउनशिप का मतलब आप समझते हैं कि फुल्ली सिक्योर अपनी एक टाउनशिप, जिसमें अपन आज ही मकान बना के रह सकते हैं सारी सुख सुविधाओं के साथ। तो आप जानते हैं कि आसपास के जो पोर्स एरिया है, जैसे कि प्रताप नगर है, वहाँ पे कोई गेटेड टाउनशिप नहीं है। इंडिविजुअल प्लॉट की अगर वहाँ पर बात करें तो अच्छी लोकेशन पर 70-75-80 हज़ार तक की रेटें वहाँ पर ऑलरेडी चल रही है, लेकिन फिर भी वो सुख सुविधा नहीं मिलती है जो अपन यहाँ डेवलप करके दे रहे हैं। अगर इसमें फैसिलिटीज की बात करें तो 80 फीट और 30 फीट की इसमें रोड होने वाली है और दोनों पर सेम रेट होने वाली है, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अपना इस टाउनशिप का। 80 फीट पर अपना शानदार एंट्री गेट डेवलप किया जा रहा है। इसका उदय वाटिका टाउनशिप का नाम है और जैसे सूर्य उदय होता है उसी की थीम पर इसको डेवलप कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये स्ट्रीट की लाइटें हैं, ये भी उसी थीम पर डेवलप की जा रही है, जिसमें CCTV कैमरा रहेंगे, LED वाली लाइट रहेगी और इसमें म्यूजिक सिस्टम का भी अपन ने फैसिलिटीज दी है। अदर फैसिलिटीज की बात करें तो इंटरलॉकिंग वाली टाइल्स की रोड है, ऐसा नहीं है कि डामर की रोड बना के दे दी, इंटरलॉकिंग की टाइल्स की रोड है, जिसमें मेंटेनेंस का खर्चा ना के बराबर आता है और गाड़ी को स्पीड में जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। दूसरी चीज, प्लांटेशन पूरी टाउनशिप में अपन करके दे रहे हैं, जिससे पूरी टाउनशिप में ग्रीनरी रहे। पूरी टाउनशिप में आपको CCTV कैमरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, एक इंच भी ऐसी टाउनशिप की जगह नहीं है जहाँ पर कैमरे की नजर ना हो। तो पूरी टाउनशिप में आपकी ये सिक्योर होने वाली है। चारों तरफ आउटर बाउंड्री है, जो कि 5 फीट की बाउंड्री है, उसके ऊपर 1.5 फीट की फेंसिंग है, तो कोई अनजान व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता। इसके अलावा इंटरकॉम की फैसिलिटीज आप अपन यहाँ पर गेट पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, जहाँ पर अपना सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, आपकी परमिशन के बिना यहाँ पर कोई एंट्री नहीं ले सकता। इसके अलावा यहाँ पर बूम बैरियर रहेंगे, CCTV कैमरा रहेंगे। अदर फैसिलिटीज की बात करें तो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है पूरी टाउनशिप, आप देख पा रहे हो, कहीं भी बाहर इलेक्ट्रिसिटी के पोल पर एक भी वायर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो फुल्ली सिक्योर अपनी टाउनशिप है। इसके साथ साथ अंडरग्राउंड वाटर फैसिलिटीज है, पानी के लिए अपन पानी की बोरवेल यहाँ पर करवा के दे रहे हैं और बिसलपुर की लाइन भी यहाँ पर डल चुकी है, जो कुछ ही दिन में कनेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग का अपन ने यहाँ पर सिस्टम दिया है, सीवरेज की लाइन अपन यहाँ पर डाल चुके हैं। हर 2 से 3 प्लॉट के सामने ये इलेक्ट्रिसिटी के जो आप बॉक्स देख पा रहे हो, यहीं से बाहर से आप कनेक्शन ले सकते हो। तो JVNL से अप्रूव्ड अपनी टाउनशिप होने वाली है। और अगर अदर फैसिलिटीज की इसमें बात करें तो एक बहुत बड़ा पार्क का एरिया अपन ने यहाँ पर दिया है, जिसमें कि किड्स प्ले एरिया होने वाला है, ओपन जिम है,
योगा सेंटर है, नीचे कम्युनिटी हॉल है और ऊपर मंदिर डेवलप करके दिया जा रहा है। मंदिर के ऊपर सोलर की प्लेट्स अपन यहाँ पर लगा के दे रहे हैं, जिससे मेंटेनेंस का खर्चा बिल्कुल भी ना आए। तो जो भी लाइट वाली समस्या है वो यहाँ पर आपको समाधान मिलने वाला है। वही अगर इस टाउनशिप में प्लॉट साइज की बात करें तो इसमें 111 गज के प्लॉट की स्टार्टिंग होने वाली है और आपको लगभग इसमें 300 गज तक के प्लॉट यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। 30 फीट के साथ साथ आपको 80 फीट पर भी प्लॉट अवेलेबल हो जाएंगे, तो ये आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक तरीके से 80 फीट पर खुलता हुआ प्लॉट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जब तक ये सेक्टर रोड ना निकले तब तक ये प्लॉट और ये जो जगह है 80 फीट की, ये आपके काम में आने वाली है। तो यहाँ पर आप पार्किंग वगैरह आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। पीछे आप देख पा रहे हो ये एरिया अपन कॉमर्शियल शॉप के लिए रिजर्व रखा है, यहाँ पर कॉमर्शियल शॉप भी अवेलेबल है। तो जो डेली यूजेज वाली अपनी जो चीज़ होती है उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वही अगर आसपास की फैसिलिटीज की बात करें तो नियर बाय अपन को एयरपोर्ट मिलने वाला है, सांगानेरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अपनी 5 किलोमीटर की रेडियस में होने वाला है। इसके अलावा सीतापुरा का इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है और मेट्रो का फेज जो कि अंबावाड़ी से लेकर सीतापुरा तक प्रस्तावित है, तो कुछ ही दिन में उसका काम शुरू होने वाला है। तो मेट्रो की सुविधा आपको यहाँ पर मात्र 700 मीटर की दूरी पर मिलने वाली है। तो कनेक्टिविटी बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इसके अलावा कनेक्टिविटी में टोंक रोड आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि 700 मीटर की दूरी पर है। तो बहुत ही प्राइम लोकेशन की यह अपनी टाउनशिप होने वाली है। रेजिडेंस चारों तरफ ऑलरेडी हो चुका है और अगर टाउनशिप के अंदर की बात करें तो आप देख पा रहे हो 4 से 5 मकानों का ऑलरेडी काम इसमें चल रहा है। तो यहाँ पर भी अंदर भी रेजिडेंस बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें होने वाला है। और आप जानते हैं कि जेन एंट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर कोई मकान बना के रहेगा तो कम से कम 1 करोड़ का उसका बजट होने वाला है। तो आपको यहाँ पर एक अच्छी जेन एंट्री मिलने वाली है। ये जो मैं आपको फैसिलिटी बता रहा हूँ ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो जिसका इसमें ऑलरेडी मकान है या प्लॉट है। तो बाहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो ये सारी फैसिलिटी जो है वो आपको ही मिलने वाली है। तो रेट की अगर मैं इस टाउनशिप की बात करूँ तो अभी 54,950 की इसकी रेट है, जिसमें 50,000 से बैंक एग्रीमेंट कर रहा है। जी हाँ, बैंक ने जो इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकाली है वो 50,000 रुपये पर गज की निकाली है। तो लोन की कहीं कोई आपको समस्या नहीं होने वाली है, आराम से आप किसी भी नेशनलाइज बैंक से लोन करवा सकते हैं। सबसे अपना APF हो रखा है। तो जल्दी से स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कीजिए, एक बार टाउनशिप की विजिट कीजिए, जानकारी लीजिए, आसपास में मास्टर प्लान देखिए और एक अपना प्यारा सा इसमें प्लॉट बुक करवाइए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कोई रजिस्ट्री चार्ज नहीं है, कोई ब्रोकरेज नहीं है, कोई डन चार्ज नहीं है। लगभग 5 लाख रुपए का 100 गज पर 5 लाख रुपए तक का आपका रजिस्ट्री का चार्ज इसमें आसानी से बच जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो जल्दी से स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कीजिए और एक बार विजिट कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।